19वीं सदी में दिगंबर संतों की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले अंकलीकर परंपरा के अग्रणी दिगंबर संत थे। मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज, जिनका जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 1923 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के अंकली ग्राम में हुआ था। पिता श्री सिद्ध गोंडा और माता श्रीमती अक्काबाई जी के घर महाशिवरात्रि के दिन आचार्य श्री का जन्म हुआ और महाशिवरात्रि के दिन जन्म होने के कारण गृहस्थ जीवन में लोग उन्हें शिव गोंडा कहकर बुलाते थे। गृहस्थ जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आचार्य श्री ने सन 1906 में भट्टारक जिनप्पा स्वामी से छुल्लक दीक्षा ली और इसके 3 महीने बाद एलक दीक्षा को ग्रहण किया। त्याग और तपस्या के मार्ग पर अग्रसर होकर मक्षिर शुल्क दौज विक्रम संवत 1970 में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में जिनेन्द्र प्रभु को साक्षी मानकर स्वयं से मुनि दीक्षा ली थी। संयम और साधना के पद पर निरंतर आगे बढ़ते हुए मुनि दीक्षा के करीब 2 साल बाद आत्म साधनारत आचार्य श्री ने ज्येष्ठ सुदी पंचमी विक्रम संवत 1972 को महाराष्ट्र के जयसिंहपुर के काटगेमला में चतुर्विध संघ के सानिध्य में आचार्य पद ग्रहण किया। आचार्य श्री ने अपने कर कमलों से 32 मुनि दीक्षा और 40 आरिका दीक्षा देकर एक संघ का निर्माण किया, जिसमें आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज को संघ का पट्टाधीश बनाया। आचार्य श्री ने चतुर्वेद संघ के सानिध्य में 22 फरवरी सन 1944 यानी फाल्गुन वदी त्रयोदशी विक्रम संवत 2001 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के ऊद गांव कुंजवन में समता पूर्वक समाधि मरण किया। आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज के 80वें समाधि दिवस पर जिनवाणी चैनल की ओर से बारंबार नमोस्तु।